सुशीला अपने बेटे की शादी एक कमाऊ लड़के से करना चाहती थी। इस वजह से जब भी वो कहीं लड़की देखने जाती तो सबसे पहले वो लड़की वालों से पूछती कि उनकी बेटी कहीं नौकरी करती है या नहीं। अरे ये तो बड़ी लालची औरत है, हम लड़की वाले हैं, हमें पूछना चाहिए इसका बेटा कितना कमाता है। लेकिन ये तो उल्टा हमारी बेटी की कमाई के बारे में पूछ रही है। मुझे ऐसी औरत के घर अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। इसी तरह सुशीला के लालच के चलते बहुत सारे लड़की वाले उसके घर अपनी बेटी देने से इनकार कर देते हैं। फिर एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, माँ मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाली कोमल नाम की एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ए नालायक, तूने मुझसे पूछे बिना किसी लड़की को पसंद करने की हिम्मत कैसे करी? चल छोड़, ये बता सबसे पहले वो लड़की कहीं नौकरी करती है या नहीं, या बस घर में पड़ी रहती है? माँ माँ वो मेहंदी लगाने में बहुत एक्सपर्ट है, शादी के बाद उसके पिताजी उसको एक मेहंदी पार्लर भी खोल कर देंगे। बस फिर क्या था, सुशीला हो गई बहुत खुश, वो खुशी से नाचने लगी। अरे बेटा मेहंदी पार्लर वाले तो बहुत पैसे कमाते हैं, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, तू भी ना। फिर अगले ही दिन सुशीला अपने बेटे के साथ कोमल के घर जाके उसकी माता से मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है। और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उसके पिताजी उसे एक मेहंदी पार्लर खोल कर देते हैं। धीरे धीरे उसका पार्लर चल पड़ता है और उसके यहाँ मेहंदी लगवाने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ आने लगती हैं। कोमल एक बहुत ही समझदार लड़की थी, वो अपनी सास के लालची स्वभाव को ढांक लेती है और पार्लर से होने वाली कमाई बैंक में जमा करना शुरू कर देती है। ये देखकर सुशीला को बहुत गुस्सा आता है। अरे मेरी बहू तो बहुत होशियार है, सारे पैसे जमा करके बैंक में जमा कर देती है, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और अगले दिन कमला अपनी बहू के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। कोमल लड़कियों को मेहंदी लगाने में बिजी थी, तभी सुशीला इस बात का फायदा उठाकर गले से सारे पैसे निकालकर अपने पर्स में डाल लेती है। शाम को जब कोमल पैसों का हिसाब करती है तो उसे गले में 4,000 रुपए कम लगते हैं। धीरे धीरे ये रोज की बात हो जाती है। फिर एक दिन कोमल अपनी सास को पैसे चुराते हुए देख लेती है, लेकिन वो अपने पति के डर से सीधे तौर पर अपनी सास पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा पाती, इसलिए वो मन मार कर रह जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोमल से मिलने उसकी सहेली जानवी आती है। क्या बात है कोमल, तेरी मेहंदी पार्लर तो बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी तू इस तरह उदास बैठी है। वो अपनी सहेली को अपनी सास की सारी करतूतों के बारे में बता देती है। तेरी सास तो बहुत धोखेबाज और मक्कार है, उसे सबक ही सिखाना पड़ेगा अब। लेकिन कुछ चिंता मत कर, तेरी इस परेशानी का इलाज है मुझ पर मुफ्त बढ़िया। तू कल से अपने पार्लर में आने वाली सभी ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर दे, जिससे सारे पैसे डायरेक्ट तेरे अकाउंट में जमा होने शुरू हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, कल से मैं इसी बात पर अमल करती हूँ। फिर अगले दिन कोमल अपने पार्लर में एक बड़ा सा बोर्ड लगा देती है और उसके यहाँ आने वाली सभी लड़कियाँ उसे ऑनलाइन पेमेंट भेजने लगती हैं। अरे आज तो इस पार्लर में ढेर सारी लड़कियाँ मेहंदी लगवाने आई हैं, लेकिन गले में तो एक भी रुपया नहीं है, ये सब क्या हो रहा है?
लगता है ये मेरी बहू की कोई चाल है। उसके पास सुशीला रोज पार्लर में आती लेकिन उसे बिल्कुल पैसे नहीं मिलते और फिर आखिरकार सुशीला कोमल के पार्लर में जाना बंद कर देती है। क्या बात है मम्मी जी, आजकल आप मेरे पार्लर में नहीं आती। बस क्या बताऊं बहू, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए मैं यही बैठकर आराम करती हूँ। ये सुनकर कोमल मन ही मन हंसने लगती है और अपना पर्स लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कोमल बिना कुछ कहे अपने लालची सास को सबक सिखा देती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, जल्दी से हमें कमेंट्स में बताओ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एक बहुत ही सुंदर गांव था रामपुर, उसमें सविता के 3 बेटे थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके 2 बेटों की तो शादी हो रखी थी पर उसका सबसे छोटा बेटा राहुल कवारा था। बड़े दूर दूर से उसके रिश्ते आ रहे थे पर सविता को कोई लड़की ही नहीं पसंद आ रही थी। लड़की की तलाश में वो निकल पड़े दूसरे गांव में वहाँ के सबसे बड़े घर की लड़की को देखने, और तलाश खत्म होती है प्रिया नाम की लड़की पर। प्रिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी, साथ ही दहेज में ढेर सारा सामान भी लाने वाली थी और इसी वजह से सविता प्रिया को बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सविता अपनी बड़ी बहू शालिनी से कहती है, अरे ओ बहू जल्दी से सारा काम कर ले, शाम को हमें प्रिया के लिए हार भी तो लेने जाना है और गहने भी तो देखने हैं। हो सकता ठीक है सासू माँ, पर बस आप अपनी छोटी बहू के लिए ही शॉपिंग करेंगी क्या? अपनी बड़ी बहू को कुछ नहीं दिलाएगी, आखिर शादी तो हमारे देवर की भी है। हाँ तू जाकर अपने पति से मांग, नहीं तो अपने बाप के घर से लेकर आ, हमने क्या पैसों का पेड़ उगा रखा है यहाँ। मैं तो बस अपनी छोटी बहू को ही दूंगी जो सबसे सुंदर है और अपने घर से बहुत सारा दहेज भी लेकर आ रही है। तूने मेरे लिए किया ही क्या है? हाँ, अच्छा जी, घर का सारा काम और आपकी सेवा हम करें और आप कह रही हैं कि हमने आपके लिए किया ही क्या है। बहू शादी ब्याह का घर है, ऐसे समय बर्बाद करने से बेहतर है सारी तैयारियां अच्छे से कर ले। आज मुझे गहने बनवाने जाना है, फिर कल केटरिंग वाले के पास भी जाना है, बहुत काम है मुझे। और रही बात तुम्हारी, तो गंगू की दुकान से आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली है लेकर। वैसे भी आजकल असली नकली में कोई फर्क पता नहीं पड़ता, सब एक सा ही तो है। रहने दो सासू माँ, इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे घर वालों ने हमें इतना तो देकर भेजा ही है कि हमें दिखावे की जरूरत ना पड़े। जरूरत नहीं है तो फिर मांग क्यों रही है? और मैं तो वैसे भी यही कह रही हूँ कि जो तुम्हारे पास है वही पहन लेना। चल अब देर ना कर, तैयार हो जा, सुनार की दुकान पर चलते हैं। और थोड़ी देर बाद दोनों निकल पड़ी सुनार की दुकान पर और दोनों खरीदारी करने लगती हैं। तभी शालिनी की नजर वहाँ रखी पायल पर जाती है और वो अपनी सास से बोली, सासू माँ ये पायल कितनी सुंदर लग रही है ना, प्लीज मुझे दिला दो ना ये पायल, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी। हाँ, चुप रह तू, जब देखो कुछ न कुछ मांगना शुरू कर देती है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी नई बहू के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, फालतू खर्चा नहीं करना मुझे। सासू माँ एक पायल की जोड़ी ही तो मांग रही हूँ मैं, दिला दो ना, क्या चला जाएगा आपका। मैंने तुझे कितनी बार कहा है चुपचाप खड़ी रह और मेरी हेल्प कर नई बहू के गहने लेने में, मैं तुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ और अगर तू मेरी ये मदद भी नहीं कर सकती तो तू यहाँ से चली जा, मैं अकेली ही खरीद लूंगी सब। बेचारी शालिनी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर चुपचाप खड़ी रहती है। और वो उसके बाद निकल पड़े कपड़ों की दुकान पर। वहाँ भी शालिनी को एक साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी पर अपनी सास के बर्ताव की वजह से उसने इस बार कुछ नहीं बोला कि उसे साड़ी चाहिए,
और शाम हो जाती है, दोनों बस पकड़ कर आ गए घर। और शॉपिंग करके जब वो घर आई तो उसकी बीच की बहू बोली, सासू माँ, जब आप घर पर नहीं थी तब एक साड़ी बेचने वाला आया था, और आपको पता है उसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। मैंने तो अपने लिए 4 और दीदी के लिए 2 साड़ी ले ली हैं। अरे वाह, ये तो इनाम देने वाला काम किया है तूने। मुझे तो ये बता, शादी तुम दोनों की है या फिर प्रिया की? हाँ, हमें पता है सासू माँ शादी किसकी है, पर हम दोनों भी तो जेठानियाँ हैं उसकी, तो हमारा सुंदर दिखना भी तो बनता है। हाँ भाई, तुम ही हो लो सुंदर, चुपचाप वो सारी साड़ियाँ मुझे दे दे, मैं प्रिया बहू को दूंगी वो सारी साड़ी। ये सुनकर दोनों बहू हो गई आग बबूला। और उसके बाद सविता अपने कमरे की ओर चल पड़ती है। उसकी बातों से दोनों बहुओं को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो दोनों किचन में चली गई खाना बनाने, और वो आपस में बात करती हैं, दीदी कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा सासू माँ का अब? वही तो, अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सारा दिन काम हम करें और जो अभी आए भी नहीं है उसके लिए सासू माँ कितनी पागल हो रही हैं। अभी ये हाल है, और जब वो घर में आ जाएगी तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी इस घर में। मैं तो कह रही हूँ, उस प्रिया की वजह से सासू माँ की ऐसी बेइज्जती हो कि सब देखते ही रह जाएं, और तब ये सब धरा का धरा ही रह जाएगा। वैसे मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा दीदी, ऐसा क्या है मुझे भी बताओ। वो अपनी देवरानी को सारा प्लान बताती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और आ जाता है शादी वाला दिन। शालिनी और दूसरी बहू शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बारात प्रिया के घर पहुंच जाती है। प्रिया भी सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहनकर मंडप में आ जाती है। प्रिया के गहने देखकर सभी मेहमानों के होश उड़ जाते हैं, और ये देखकर दोनों बहुएं भी बहुत चल जाती हैं, और आखिर प्रिया और राहुल की शादी हो जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। राहुल और प्रिया अपनी सास के पैर छूते हैं। सदा खुश रह बेटा, चल अब तू अपने दूसरे घर चल, आज से हमारा घर ही तेरा घर है। और उसके घर वाले गाड़ी में प्रिया को बिठाते हैं और उसका सामान रखते हैं, और सविता का सारा परिवार निकल पड़ा स्टेशन की तरफ। सब स्टेशन पहुंच जाते हैं और राहुल का भाई टिकट लेकर आता है सबके लिए, और आ जाती है प्रिया अपने ससुराल। ये है मेरी बहू प्रिया, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है मेरी दोनों बहुओं से, और जो शादी में गहने हमने दिए हैं ये तो इसको और सुंदर बना रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहू अब थक गई होगी। अरे ओ दोनों बहुओं, कहाँ मर गई, जल्दी इधर आओ, मेरी छोटी बहू के लिए कुछ खाने के लिए बना दो। और प्रिया बहू तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, तब तक ये दोनों बहू कुछ बना कर लाएंगी तुम्हारे लिए। गुस्से में दोनों बहू पहुंच जाती हैं किचन में और प्रिया के लिए खाना बनाती हैं, और फिर वो प्रिया को खाने के लिए खाना ले आती हैं, पर तब भी उसकी बहुओं को चैन नहीं मिलता। वो उसके खाने में कुछ मिला देती हैं जिससे कि उसको फिर से दस्त लग जाते हैं। लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद ही प्रिया को लग जाते हैं बहुत तेज दस्त। वो बार बार बाथरूम आती जाती है। शाम हो जाती है और सभी रिश्तेदार प्रिया की मुंह दिखाई के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा खराब हालत होने के कारण वो नहीं बाहर जा पा रही थी। ये देखकर सविता बहुत गुस्सा होती है और वो प्रिया से जाकर कहती है, ये सब क्या है प्रिया, सब रिश्तेदार तेरा मुंह देखने के लिए नीचे इंतजार कर रहे हैं और तू है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। सासू माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा क्या हुआ है बहू? सासू माँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं कैसे दस्त लग गए हैं और बार बार मुझे बाथरूम जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया को परेशान होता देख
दोनों बहू अपने कमरे में बैठकर बहुत खुश हो वो दोनों प्रिया की हालत पर हंस रही होती हैं कि तभी उनकी सास उनकी सारी बातें सुन लेती है। तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इस प्रिया ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? अरे नाराज की थी तो मुझे इसकी सजा देती, लेकिन उस बिचारी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने तो कभी तुम दोनों के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा, और तुम दोनों को कोई अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से उस बिचारी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। इसके बाद सविता प्रिया की मुंह दिखाई कुछ दिनों के लिए टाल देती है और वो डॉक्टर को बुलाकर प्रिया को दवाई दिलवाती है और हफ्ते भर बाद ही प्रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है और दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। फिर वो दोनों प्रिया से माफी मांगती हैं और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।